दोस्तों ये देखिए ये अंडा है ना, बिस्तरा रात यहाँ पे सोएंगे तो ये इसे उठा लेते हैं। हमारे जो काम थे बहुत ही ज्यादा थे। साजिद और मैं अभी गारा बनाएंगे, दीवार को सेट करना है। ये काम कर लिया है, अब इसके बाद पानी लगाएंगे। ये पानी आ रहा है, वो देखो कितना दूर है पानी। पसीना इतना निकल गया जो पानी लगाने के लिए ज्यादा। कस्सी मेरे पास है, पानी में लगाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम अदनान जेपी के व्लॉग में खुश आमदीद। पिछली मरतबा जब मैं खानेवाल से आया था तो ये घास उगा के गया था, और इस मरतबा इस घास को मैंने पानी लगाना है, लेकिन मेरे भाई ने मोहम्मद फैसल ने इसे पानी नहीं लगाया था, जिसकी वजह से ये पौधे मुरझा चुके हैं। आज मैं पानी लगाने के लिए आया हूँ, देखते हैं कि हमें आज पानी मिलता है। मोटर वालों से जाके पूछेंगे, मोहम्मद मोहसिन है उससे जाके अगर मिल गया तो आज इसे पानी लगाएंगे। बिना किसी डेडिकेशन के व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहेगा इस व्लॉग में। और हाँ, नान भाई व्लॉग को ज्वाइन करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अरे यार राशिद भाई काम में मसरूफ था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, ठीक है। अच्छा, मुझे पानी लगाने के लिए इस खाले को साफ़ करना पड़ेगा, तो मैंने इस खाले को अभी साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद मौसम से रब्ता हो चुका था, मौसम भाई से, उसने कहा कि आप पानी लगा सकते हैं। अभी मैं खाद भी लेके आया हूँ, तो इस ज्वार में हम ज्वार के घास में खाद डालेंगे ताकि ये जल्दी बड़ा हो। ये है खाद, खाद डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पानी हो ला जोर करके, चंगा पानी ला दे। आम खाने वाला आ जाना मेरे पास, ठीक है, और आम भी खिलाएंगे। अभी फिलहाल यार मसरूफ हूँ, बस आज का व्लॉग भी यही है और काम भी मेरा यही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। एक दिन मामा कासिम भिंडियों को चौके देना खड़े, हमारी भिंडियों को खेत है तैयार हो रहे हैं, अभी इंटरव्यू गिन आते पैसे जी। हाँ हली फिलहाल ठीक खड़े, ये भिंडियों को चौके दे देते हैं मामा कासिम। चौकी देने खाए सब भिंडियों को, चुनसो कदा ये दबास आज चुनसो बंदे नहीं मिलते थे बा। हाँ, पसीना इतना निकल गया जो पानी लगाने के लिए ज्यादा। अब पानी लगा खड़े। हाँ पानी लगा खड़े जटा को, भिंडी पक्की खड़ी हो। अल्लाह अल्लाह करे दा करे भिंडी आली तक एक गल थी शो दा के करे कोई चुनाना लांदा नहीं पिया भिंडे ने आधे रेट कशे के नहीं सवेर पानी ला हाल तक घर नहीं पहुंच सकिया, वो पानी एक ही टोटे को नहीं लग सकता। मैंने ये काम कर लिया है, अब इसके बाद पानी लगाएंगे। ये पानी आ रहा है, वो देखो कितना दूर है पानी। ये वाला बाग है मेरे मामू का है, ठीक है, सामने वाला चाचू का है, और ये हमारा है। सारे इकट्ठे साथ साथ बैठे हैं, ठीक। गन आते हैं सराय के चाहते हैं, गन टूट गया ही गन है तो नमक घिनना है आज। ऐसा पानी आगे पानी किमें तेज आता है, चेक करो पानी को। ये आ गया पानी, पानी होने दे। पानी अभी इसी खेत में लगाने वाला हूँ, कस्सी मेरे पास है, पानी में लगाता हूँ। पानी भी आने वाला है
और पानी जो इस खेतों में लगाने वाला, छः बज चुके हैं ठीक है। और ये पानी आ रहा है, इस खेतों में लगाऊंगा। दो कनाला झिंझन सामने, ज्वार है, ज्वार दे विच मैं खाद वगैरह छट के दे। सामने देखो ढेरी गांधी पई है। तो देखा आपने क्या क्या काम होता है रोजे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हिम्मत दे, इसे मैंने मजबूत करना है। मजबूत करने के बाद पानी यहाँ से इधर जाएगा। बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत तेज आंधी और बारिश का। अभी ये मैं उठाऊंगा इतना बिस्तरा, रात यहाँ पे सोएंगे। तो ये इसे उठा लेते हैं। हमारे जो काम थे बहुत ही ज्यादा थे। साजिद और मैं अभी गारा बनाएंगे, दीवार को सेट करना है बकरियों के रेवड़ की जगह। वो दीवार टूटी हुई है, अभी सेट करेंगे। गारा बनाने के बाद वो हम दीवार बनाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे खाना 3 बजे। जो कुर्बानी के बकरे हैं, गिजा हमने जमा कर रखी है। मकई, गंदम, चने, छोले, दाली और चावल, ये अभी मिक्स करनी है ठीक है। ये मिक्स करके डेली डालना शुरू कर दे अब हमने। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। इन सब गट्टू में से दो दो बाल्टी वगैरह ये साइज़ है ठीक है, ये 2-2.5 ठीक है। ये बाल्टी डालता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे ठीक है। बारिश का मौसम है, जैसे ही आया हूँ बारिश बहुत ही तेज़ आ चुकी है और 5 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ये देखें बड़ी तेज़ बारिश आ गई है, हालांकि ये बारिश रुक गई है। जैसे मैं रवाना हुआ था ना ट्यूबवेल से, उस टाइम बहुत तेज़ बारिश थी। अब बारिश में खाना लेके ट्यूबवेल पे जा रहा हूँ अब्बू का, ये देखें मेरे हाथ में है। और रास्ते में था, बारिश तेज़ आ गई, ये देखें तेज़ बारिश है। और कैसे मैं जाऊँगा यार, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बहुत लंबा सफ़र करना है। देखें 4 दिन उन्होंने बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, 4 दिन लगातार बारिशें तेज़ होंगी। जैसे घर से रवाना हुआ था उस टाइम बारिश नहीं थी, हूँ यार ज़्यादा ही बारिश है। ये देखो मैं हूँ क्या करा यार, मुझे समझ नहीं आती भाई। दुआ करो मैं खैरियत से पहुँच जाऊँ, बारिश बहुत ज़्यादा है। और ये देखें ये आमों के दरख्त हैं। और अभी तो मैं जा रहा हूँ यार, रात बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश और तूफ़ानी आंधी आई थी, बारिश रुक गई है, सूरज भी निकल आया है। ये देखें बादल भी बने हुए और सूरज निकल आया है जंगलों से गुजरता हुआ। बादल आपको दिखा दें, ये देखें बादल हैं, झाड़ बने वाले झाड़ में धूप भी निकल आई है। अभी बारिश भी आई है, बारिश के साथ साथ धूप भी है। मौसम सुहाना बन चुका है, बादल गहरे गहरे हैं और धूप भी निकल आई है। मौसम तो माहौल है, थी रखूँ अगर भेड़ा बांध दे। दोस्तों ये देखिए ये अंडा है, टट्टी है, एक परिंदा है। यहाँ अभी शायद आपको हम दिखाएंगे उसका, ये अंडा है हमने अभी देखा। तो उसका ये अंडा इधर ही रखेंगे जब हम जाएंगे, क्योंकि ये जानवर हैं। दिखाओ, ये पाँव के नीचे दे देंगे और फिर ये टूट जाएगा। ये जहाज कितना ही नीचे है, आज शाम का वक्त है, अब इनको हम लेके जा रहे हैं।